शब्द नहीं है, मैं क्या कहूँ, मगर मैं बस इतना ही कहूँगा कि आज हम यहाँ फिल्म देखने आए हैं और सारी यादें मेरे सामने आ रही हैं जब मैंने अपना करियर शुरू किया और मैं राजकुमार स्टूडियोज़ गया था यश जी को मिलने के लिए और उन्होंने मुझे मशाल के लिए साइन किया और मशाल के बाद मैंने उनके साथ मेरे ख्याल से लम्हे की और फिर पर रिश्ता हमारा काम करे ना करे मगर इतने सालों से हमारा रिश्ता रहा और मैंने आखिरी बार उनसे मैं मिला था अपना अमित जी के जन्मदिन पर और आज हम यहाँ हैं और वह हमारे साथ नहीं है मगर फिर भी हम मेरे ख्याल से उन्होंने एक ऐसी ज़िंदगी गुजारी है, ऐसी फिल्म बनाई है। आज मेरे ख्याल से 50 से भी ज़्यादा साल कोई हिंदुस्तान में कोई ऐसा डायरेक्टर नहीं है हिंदुस्तान में जो 50 साल से भी ज़्यादा कामयाब रहा। 53 years he was a successful director and today this year was the 53rd year and today we come here. I think for me he's still alive. Mere liye aaj bhi zinda apne filmon ke zariye apne film jo hum log sari zindagi unki filmein dekhte rahenge aur main itna kahunga ki ye film bina dekhe main keh sakta hu ki ye film bahut hi kamaal ki film hai. मैं फैंस के लिए क्या कहूँगा, फैंस के लिए यही कहूँगा कि बहुत बहुत मुबारक हो आप लोग सबको दिवाली और दिवाली एक ऐसा त्यौहार है, त्यौहार आएंगे और जाएंगे क्योंकि त्यौहार जो है वो ख़त्म होते जा रहे हैं, इतने मनाए नहीं जाते मगर दिवाली एक ऐसा त्यौहार है वो कभी नहीं ख़त्म होने वाला, वो मेरे ख्याल से उसकी रौनक उसकी जो खुशी है वो मेरे ख्याल से ऐसा कोई चाहे वो हिंदू हो कोई मुसलमान हो ईसाई हो पारसी हो मगर दिवाली एक ऐसा त्यौहार है वो सब मनाते हैं बहुत खुशी से। थैंक यू।